ये अभी हम लोग आज LNJP के सामने ये एक बैंक्वेट हॉल में 100 बेड्स चालू कर रहे हैं। डॉक्टर्स फॉर यू एक NGO है जो इसकी जिम्मेदारी ले रही है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस महामारी के दौरान इस तरह से डॉक्टर्स की NGO सामने आ रही हैं। ये 100 बेड्स का बैंक्वेट हॉल, इस बैंक्वेट हॉल में 100 बेड्स लगाए गए हैं। हर बेड के साथ हाई ऑक्सीजन है और ये LNJP हॉस्पिटल के साथ अटैच रहेगा। LNJP हॉस्पिटल सड़क के उस पार है, तो जो मॉडरेट पेशेंट्स हैं जिनको ICU में जाने की ज़रूरत नहीं है वो इधर रह सकते हैं। अगर जरा सा भी कोई सीरियस होता है तो उसको तुरंत LNJP हॉस्पिटल सड़क के उस पार ले जाया जा सकता है। तो इस तरह के ये आज पहला एक तरह से बैंक्वेट हॉल शुरू हो रहा है। हमने देखा था कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने लगभग 3000 बेड्स होटल्स के अंदर भी शुरू किए हैं और उन होटल्स को हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया था। तो अब मोटे मोटे तौर पे इस वक्त, आने वाले समय में क्या होगा ये तो कह नहीं सकते, इस वक्त बेड्स की बेड सफिशिएंट हैं। जैसे लगभग 13,500 बेड्स अभी दिल्ली में अवेलेबल हैं, उसमें से 6200 बेड्स अभी इस्तेमाल हो रहे हैं। कल मैंने देखा था, कल भी 6200 बेड्स टोटल पूरी दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मिला के 6200 बेड कल भी इस्तेमाल हो रहे थे, आज भी 6200 बेड इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई एडिशनल बेड का यूसेज नहीं बढ़ा, जबकि पिछले 24 घंटे में 4000 नए केसेस आए हैं। 4000 नए केस आए हैं लेकिन अस्पतालों में नए बेड की ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो ये कि दिल्ली में जो कोरोना है वो उतना सीवियर नहीं है। लोगों को कोरोना हो रहा है, अपने घर में वो ठीक हो रहे हैं और नए बेड की अभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और दूसरा ये बताता है कि जितने मरीज बेड्स हॉस्पिटल से ठीक होके जा रहे हैं उतने एंटर कर रहे हैं, तो बेड्स की एक स्टेबिलिटी सी नज़र आ रही है पिछले कुछ दिनों में। और लेकिन हम कोई वो नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, अभी ऑलरेडी 13,500 बेड्स का इंतजाम हो चुका है। जैसे आज इस बैंक्वेट हॉल को हमने शुरू किया, ऐसे कई सारे बैंक्वेट हॉल्स और पूरी दिल्ली के अंदर शुरू किए जाएंगे और भी कई तरह से बेड्स को बढ़ाने के लिए।